कि क्या सरकार और संगठन में, भारतीय जनता पार्टी में कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है क्या? क्योंकि आज भी जो है कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें केशव प्रसाद मौर्य गायब थे और वो पिछले कई बार मीटिंग से गायब दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली से जो दूरियां बढ़ रही हैं लखनऊ की, वो कितनी ज्यादा खाई बढ़ती जा रही है इस पूरे में? केशव जी चिर असंतुष्ट हैं। कल ब्रजेश जी पाठक जी ने भी बोल दिया कि जो हुटर के लिए जो योगी जी ने आदेश किया है कि जी जी ना जी चलाया जी जाए ना किया जाए, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। अब आप देखो यूपी में कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रहा है। केशव जी हाँ असंतुष्ट, अनुप्रिया पटेल असंतुष्ट, संजय निषाद हाँ संतुष्ट, ब्रजेश पाठक जी ने बोल ही दिया कि ये योगी का ये उसको हटाया जाए, इसको गलत है ये। हाँ तो अब आप ओपी खुश राजभर। लोग हाँ राजभर, तो वो तो खैर वो तो उनको कोई मतलब नहीं उनका, तो आप सोच लो क्या स्थितियां बन रही हैं। और एक चीज हाँ और आ गई, देखिए बहुत बातचीत बड़ी है, बात आ गई आधे मिनट के लिए, कि हाँ रालोद पश्चिम कोई लोग बड़ा सपना सजोए थे कि हाँ रयन को हाँ ले आए हैं तो ये कट हाँ डालेंगे, वो कट डालेंगे, चोट डालेंगे, फाट डालेंगे, और जैन तो दो सीटें जीत किनारे हो गए, मंत्री बन गए, यहाँ भी हाँ मंत्री बना लिए, और सर मंत्री भी मजे की ले बात लिए। ये है कि जैन चौधरी 3 सीटें मांग रहे हैं, खैर और मीरापुर और हाँ, गाजियाबाद, 3 सीटें मांग रहे हैं, कह रहे उपचुनाव में और उन तीन लोगों ने चाहिए। जीरो दिया है, इनका हाँ कॉन्स्टिट्यूशन विजय में जीरो है जयंत का, वो भी हाँ सीटें हार गई वो जहां से, तो अब आप सोच लो हाँ क्या स्थितियां हैं। और वहां पर वो सब मु, हार गए, जो ये मुजफ्फ राजभर और प्रसाद सब हाँ हार गए, मुज नहीं ये जो जय जिनके दम पे ये था कि बैकवर्ड अति बैकवर्ड, तो अरे बड़ा अंदर, बड़ा अंदर खाने समय यूपी में एकदम घमासान मचा हुआ, लोग समझ नहीं पा रहे क्या निर्णय ले। अब दूसरा देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा, दिल्ली में तय ये होगा कि दिल्ली में नड्डा की जगह कौन, ठीक, हाँ दिल्ली हाँ दिल्ली में नड्डा की जगह कौन, और जी यहाँ जी जी चौधरी की जगह यहाँ, और तब तक चुनाव आ बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बहुत बहुत सारी बातें सर जी निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति, और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी निकल कर सामने आ रही है। जैन चौधरी आप 3 सीटें मांग रहे हैं, उनको देते हैं तो भी दिक्कत है, नहीं देते हैं तो भी दिक्कत है। उन्होंने मुजफ्फरनगर कैराना नहीं जीता पाए, जहां पर जाट पूरा पूरा वहां पर है। घोसी ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद अपने बेटे को नहीं जीता पाए, वो कहते गए बीजेपी के अंदर भीतर घात था, इस वजह से हम हार गए। तो एक दूसरे को, अनुप्रिया पटेल तो 2 पन्ने का लेटर लिख दिया उन्होंने, पत्र लिख दिया आरक्षण के नाम पर। तो ये क्या घेरने की कोशिश चारों तरफ से हो रही है क्या? उत्तर प्रदेश के यहाँ पर मुख्यमंत्री जी को मैं तो साफ साफ बोल रहा हूं कि हो क्या रहा हाँ, है, क्या क्या दिल्ली दिक्कत के है, इशारे पर हो रहा है, दिल्ली के क्या इशारे पर हो दिक्कत रहा है है, क्या? अब आप बताइए। तो इनकी अपनी दुकानें हैं, अनुप्रिया पटेल की तो एक एक सांसद है, अपनी दुकान है, नहीं जैन के भी दो सांसद है, अपनी दुकान है कि नहीं है, ठीक। ये तो जब चाहेंगे नीतीश तरीके से अपनी दुकान उठा लेंगे। कल को अगर दिल्ली में कोई राजनीतिक घटनाक्रम होता है तो इन्हें क्या, इन्हें तो दुकान का सेट वो बदलना, खाली बोर्ड उस पे कि फला 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 लिमिटेड प्राइवेट की तरह, तो ये तो हाँ यार चल रहा है, इसलिए अच्छा, इसलिए पीडब्ल्यूडी विभाग इतना महत्वपूर्ण है सर, और जितिन प्रसाद जब से गए हैं तब से खाली पड़ा हुआ है, किसी को अलॉट नहीं किया गया है, क्या उसके लिए कोई लड़ाई चल रही है क्या? दिल्ली तय करेगा, योगी जी नहीं तय कर पाएंगे, योगी जी नहीं तय कर पाएंगे, दिल्ली बड़ी बात आप तय कह रहे हैं, करेगा। तो उनके कैबिनेट का मामला है, उनका मंत्रालय, योगी जी दिल्ली से तय तो होगा योगी सर क्यों ये? जौनपुर में वो जो आए थे बंबई वाले, वो दिल्ली से तो आए हाँ थे, तो हाँ कौन से आए, कृपा शंकर कृपा दिल्ली कृपा से तो आए शंकर। थे, योगी जी की मर्जी थोड़ी आए थे, ऐसे कितने टिकट है जो दिल्ली से आए थे, योगी की मर्जी थोड़ी हुआ था। योगी जी अपने मुख्यमंत्री जी हैं और अपना ठीक है, चल रहा है सब ठीक है। उसके बाद तो योगी जी आशा तो है, आप तो जान ही रहे हो कितने आशा हैं वो भी, क्योंकि उनके वो 80-80 बोल रहे थे, 80-80 बोल रहे थे, केशव मौर्य भी 80-80 बोल रहे थे, तो कहीं ना कहीं तो ठीक है, वो उनका इन्होंने नहीं साथ दिया, राजभर ने नहीं दिया, निषाद ने नहीं दिया, पटेल ने नहीं दिया, जयंत ने नहीं दिया, लेकिन आपका जो बुलडोजर है, जो आपकी अपना वो जितने दिन का उत्सव, वो उसमें भी तो कहीं ना कहीं तो सब अच्छा। दिक्कत क्या हुई है, दिल्ली में भी दिक्कत है, यहाँ भी दिक्कत है यूपी में, ठीक। 27 आ ही रहा है, आप 27 आ गया, आया है आप लगभग ये मान चलिए 2 साल से वो मानसिकता बन जाती है कि चुनाव चुनाव बन चुनाव जाते हैं। क्या क्या। तो और इधर क्या है, इधर इंडिया गठबंधन का पार्ट यूपी में भी एकदम गोल बम हो रहा है, क्योंकि हाँ बीएसपी एकदम किनारे लग गई ना। अब लाख आकाश आनंद को राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सचिव वो बना दो कोऑर्डिनेटर, राष्ट्रीय ने अंतरराष्ट्रीय बना दो, हाँ क्या फर्क ठीक पड़ता बात है, है ठीक क्योंकि बात है। अगर अगले लाइन खींच दी, चंद्रशेखर रावण वाली लाइन खींच गई ना बड़ी, हाँ हाँ 10 साल 15 साल,
तब तक ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी यहाँ पर सब मैनेज कर देंगे उत्तर प्रदेश में। अभी तो मोदी का भोकाल और योगी का बुलडोजर से ये चल रहा था कि पूरा सब वो है वो चीजें। अच्छा सर, केशव मौर्य ज्यादा तकलीफ में है क्या, या क्योंकि वो आ नहीं रहे, कैबिनेट की बैठक कर नहीं रहे हैं, ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं संगठन और सरकार के स्तर पर, वो दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं, या तो उनको दिल्ली में कोई बड़ी कोई पोस्ट दी जा रही है, तोहफा दिया जा रहा है, या फिर लखनऊ के लिए बैटिंग चल रही है, लोग अब इस तरह की चर्चा कर रहे हैं, आपका आकलन क्या है सर? देखिए नड्डा साहब और केशव मौर्य जी, ये दो लोगों को हमने घड़ी घड़ी जब देखा था भूखे लिए ही देखा। नड्डा साहब को भूखे लिए देखा एयरपोर्ट पे मोदी जी का रिसीव करते करते, जब नड्डा साहब जब अध्यक्ष थे तब वो मोदी जी जब दफ्तर आते थे तो रिसीव करते थे, तो उनको तो हमने भूखे लिए देखा है। ऐसे ही मैंने हमेशा केशव मौर्य को भूखे लिए देखा है, कभी शाह जी के यहाँ, कभी नड्डा जी के यहाँ, कभी मोदी जी के यहाँ, तो इनको हमें भूखे लिए देखा है। और ये व्याकुल भारत है बहुत समय से। अब बड़ी कोष आप बोल रहे हो तो बड़ी कोष हो सकता है कि इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे बीजेपी का, इससे बड़ी कोष क्या होगी, इससे बड़ी कोष क्या होगी, ये भी बड़ी भविष्यवाणी है, ये भी बड़ी भविष्यवाणी, अगर ऐसा हो जाता है तो ये भी बड़ी भविष्यवाणी। बैकवर्ड इस समय बैकवर्ड की चली रही है, अति बैकवर्ड की। और यहाँ योगी जी को हटाना अभी सबके बस की बात नहीं है, क्या योगी आदित्यनाथ को हटाना इतना आसान है क्या, क्योंकि उनका ऑरा अपने आप में बहुत बड़ा हो गया है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। देखो ऑरा फौरा कुछ नहीं होता है, ऑरा तो कल्याण सिंह का भी बहुत बड़ा था, उन्होंने तो अटल जी का भी कालर पकड़ लिया था, मतलब कालर मतलब मुहावची कर ली थी, कौन अटल है, तो क्या हाल हुआ उसके बाद जब संगठन किया, हालांकि उस टाइप का संगठन नहीं है, जब उन्होंने किया जब निकाले गए तो लाल टोपी पहने मुलायम सिंह के पंचकूट थे, बिल्कुल अपनी पार्टी बनाई थी, जो वो भी उस समय भी राम के नाम पे, भगवान के नाम पे, हिंदू के नाम पे गदर काटे हुए थे, ठीक। तो उसके बाद क्या हुआ, उनकी कौन जन क्रांति, कौन सी पार्टी बनी थी, क्या हाल हुआ था, तो औरा वरा कुछ नहीं, जो तय होता है तो उसका जहाँ जहाँ हुक्म आया तहाँ ये सांसद और सब जो है वो मोदी जी संसदीय दल से बैठा बिल्कुल सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए, एक बार फिर से भारत एक सोच को तमाम चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए सर, थैंक यू।